नमस्कार, राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज के तमाम ताजा खबरों पर। अलवर जिले के रामगढ़ विधायक और राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय सचिव जुबेर खान का शनिवार को निधन हो गया था। उन्होंने 61 साल की उम्र में अलवर शहर के निकट डाई पेड़ी स्थित खुद के फार्म हाउस पर अंतिम सांस ली। विधायक जुबेर खान लंबे समय से बीमार थे। जुबेर खान का जन्म 1 अगस्त 1962 को हुआ था। अलवर के खेडली के पास दारुंदा गांव में चोरी के आरोप में गांव के लोगों ने दो युवकों का मुंह काला करके उनको पूरे गांव में घुमाया। इस दौरान उनके हाथ बांधे और प्लास्टिक की नली व डंडे से जमकर पीटा। वहां मौजूद लोगों ने पूरे मामले का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अब इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अलवर के खेडली कस्बे के पास दारुंदा गाँव में चोरी के आरोप में गाँव के लोगों को दो युवकों को पकड़ा और पहले उनके हाथ बांधे और उसके बाद उनका मुंह काला किया। उसके बाद गांव के युवाओं ने दोनों युवाओं को पूरे गांव में घुमाया व बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। इस दौरान रास्ते में युवकों ने प्लास्टिक की नली व डंडे से दोनों युवकों को जमकर पीटा। उनके साथ गाली गलौज की गई। इस पूरे मामले का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। किरोड़ी लाल मीना ने अब आरएएस परीक्षा 2018 और 2021 को लेकर बड़ा खुलासा किया है। बाबा आज तमाम सबूत और टॉपर परीक्षार्थियों की कॉपियां लेकर सीएमओ पहुंचे थे। बाबा ने तमाम सबूत सीएमओ को दिए हैं और मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। के जो एसीएस हैं शिखर अग्रवाल जी, उनसे मिल के आया और मिलने का पर्पज ये था कि आरएएस परीक्षा 2018 और आरएएस परीक्षा 2021 के पेपरों में बड़ा गड़बड़ हुआ और अयोग्य लोगों को, जो दर्जनों मेरे पास नाम आए, उनको आरएस बना दिया गया। और इसमें कैसे किया, इसमें जो आरएस 2021 की मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं हैं वो सरकारी कॉलेज और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर द्वारा जांची जानी चाहिए थी, जो प्राइवेट कॉलेज के द्वारा जांची गई और उसमें भारी घालमेल किया गया। एक आरपी सिंह ने, जो उस समय एमडीएस यूनिवर्सिटी के वीसी थे, जिनको जिम्मेदारी दी गई थी, और वो उस परीक्षा के अंदर मतलब बिल्ली को दूध की रखवाली दे दी, जो 9/9/2020 को जिसको एसीबी ने गिरफ्तार किया था। और इन्होंने फिर अपने चहेते एक शिवदयाल सिंह को इसमें लगा दिया। शिवदयाल सिंह, ये एमडीएस के आरपी सिंह और शिव सिंह राठौर ने मिलके चहेते लोगों को, जो पास होने लायक नहीं थे, उनको बढ़ा चढ़ा के नंबर दिए। एक कॉपी मैंने मीडिया को ऐसी बताई है जिसमें 145 नंबर दिए हैं, और अगर उस कॉपी को आप आज भी किसी को चेक करने के लिए दे दें तो उसमें 45 नंबर भी नहीं आ सकते, और वो आरएस बन गया। ऐसी एक कॉपी मैंने टॉपर की दी है। टॉपर ने पेपर को इस ढंग से लिखा है, बड़ी तसल्ली से, जो 3 घंटे में, जो 5 घंटे में भी तसल्ली से लिख नहीं सकते। और उसको टॉप करने के लिए किसी आरपीएससी के सदस्य को 1 करोड़ रुपए दिए, जिसके प्रमाण मेरे पास है, मैं एजेंसी को बताऊंगा। तो ऐसे ऐसे इनको टॉप कराया जा रहा है, यानी टॉपर को भी ये मौका दिया गया है, जो टॉपर होने लायक नहीं था वो इनको पैसे लेकर टॉप कराया गया है। दूसरा, हाँ, जो मैंने बता दिया 145 नंबर दिए, और जिसको 145 नंबर दिए, जिसको 45 भी नहीं आ सकते, उसका रोल नंबर 804488। और जो टॉपर है, टॉपर की ये चारों कॉपियां हैं, उसका नंबर है 809244। ये जमा जमा के इसमें लिखा गया है। देखो, ये तमाम चीजें आपने इनको दी है? हाँ, सब दे दी सीएमओ में और मीडिया को बता दी। और इसमें एक बात और महत्वपूर्ण है जी, देना भाई, देना किसमें वो सात दिन पहले इस टॉपर को पेपर दे दिया गया और बड़ी रकम ले ली गई। और इसमें वो दो कॉपी कहाँ है, ये वो लोग हैं जिनको बड़ा चढ़ा के नंबर दिए, ये रोल नंबर है।
तीन लिए, तमाम कागज आपने पांच लिए, तीन लिए, एक एक, और ये दीपक उप्रेती के टॉपर से क्या रिश्ते थे ये भी मैंने इसमें डाल दिया है। दीपक उप्रेती के चेयरमैन थे, चेयरमैन थे। एक दूसरा, एक रोल नंबर है 820815 RS 2018 का, उसके साक्षात्कार से पहले एक व्यक्ति ने चेयरमैन भूपेंद्र यादव को व्हाट्सएप किया था कि इस रोल नंबर वाले के इंटरव्यू में 82 नंबर आएंगे। उसने कहा हो ही नहीं सकता, और इंटरव्यू के बाद 82 नंबर आए। तो ये ऐसे प्रमाण हैं जो अयोग्य लोग RS बन गए, योग्य रह गए। इसलिए मुख्यमंत्री कार्यालय को मैंने कहा है कि भाई इसकी जांच वैसे तो CBI से होनी चाहिए, लेकिन शिखर जी ने कहा पहले SOG से जांच करा ले, तो SOG जांच करेगी। लेकिन किरोड़ी लाल जी, आप चूंकि आप ही की सरकार है, मामला नहीं हमारी सरकार का नहीं है, अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल में दो पिछले घटनाक्रम हुई, ये पिछले 9 महीने निकल गए। हाँ, और संघर्ष नहीं करना पड़ रहा। पहले सब इंस्पेक्टर के मामले में 2 बार SOG को लेकर आए, जो आपकी जानकारी में डाला, मैं पीछे लगा हुआ हूँ और प्रॉपर मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री जी की भी चल रही है। वैसे ही प्रमाण इसमें मिले, क्योंकि SOG के पास इतनी जांचें आ रही हैं जिनके पास पर्याप्त स्टाफ नहीं है, तो ये मैंने प्रॉपर समय पर मुख्यमंत्री जी कार्यालय को दे दी है ताकि ये जांच हो और दोषी जेल में जाए। सचिन पायलट ने मांग करी थी RPC को भंग करने वाली, भंग नहीं हो सकती कॉन्स्टिट्यूशनली, इट इज नॉट पॉसिबल, बट इट इज इट मे बी रीस्ट्रक्चर्ड, तो रीस्ट्रक्चरिंग के पक्ष में तो मैं भी हूँ। तो आपको लगता है कि तमाम लोगों को हटा के हटाना मीन्स जो UPSC में जिस तरीके से मेंबर्स बनाए जाते हैं पता ही नहीं लगता, ऐसी गोपनीय तरीके से, उसमें राजनीतिक दखल नहीं होना चाहिए, और मेंबर जिस दिन बिना राजनीतिक दखल के बन जाएंगे उस दिन RPSC साफ सुथरी हो जाएगी। तो आपको लगता है कि मौजूदा सरकार जो आपकी सरकार उसके कार्यकाल में ये मंशा जाहिर की है मुख्यमंत्री जी ने? शिखर अग्रवाल जी ने कहा है कि जांच होगी SOG से, CBI में देने की मांग को नहीं, वो कुछ नहीं बोले, मुख्यमंत्री जी से बात करनी पड़ेगी पहले SOG। जयपुर हेरिटेज नगर निगम की मेयर मुनीश गुर्जर को आखिरकार निलंबित कर दिया गया है। मेयर रहते हुए मुनीश को सरकार के नोटिस का जवाब 21 सितंबर तक देना था, लेकिन अब जब वो अपना जवाब पेश नहीं कर पाई तो सरकार ने उनके निलंबन का आदेश जारी कर दिया। मुनीश के निलंबन के बाद अब जल्द ही उनकी जगह पर कोई कार्यवाहक मेयर बिठाया जा सकता है। राजस्थान सरकार ने सबसे पहले 11 सितंबर को मेयर को नोटिस जारी किया था, तब ये नोटिस जांच अधिकारी की तरफ से जारी किया गया था। इसके 3 दिन बाद मेयर ने एडवोकेट के जरिए जवाब भिजवाया था। इसके बाद स्वायत्त शासन विभाग ने 18 सितंबर को दूसरा नोटिस जारी कर 3 दिन में जवाब मांगा था, लेकिन 21 सितंबर को रात 11 बजे तक कोई जवाब नहीं दिया गया, जिसके बाद अब मुनीश गुर्जर को मेयर की कुर्सी गंवानी पड़ी। जयपुर में जरा सी लापरवाही ने एक मासूम बच्चे की जान ली। मासूम अपनी मां के साथ हाथ छुड़ाकर गली में घूमने लगा, इसी दौरान गली की मोड़ पर आई कार ने उससे अपनी चपेट में ले लिया। सांगानेर में हुए हादसे के बाद घायल को तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचा, लेकिन उसकी मौत। भरतपुर रेंज में चलाए जा रहे ऑपरेशन एंटीवायरस अभियान के तहत पुलिस की कार्यवाही जारी है। इस अभियान के दौरान डीग जिले की कामा थाना पुलिस ने 10 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया। उदयपुर में सोमवार को मदरसे को जमीन आवंटित करने के विरोध में बाजार बंद कर दिया गया, कोई भी दुकानें नहीं खुली। सर समाज ने हजारों लोग पुराने बस स्टैंड पर इकट्ठा हुए। मदरसे के लिए आवंटित जमीन के निरस्तीकरण के लिए मुख्यमंत्री के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा। सदर थाना पुलिस की बड़ी कार्यवाही सामने आई है, जहाँ पर 32 लाख रूपए के चने चोरी करने का आरोपी गिरफ्तार किया गया। सदर थाना पुलिस नसीराबाद ने बड़ी कार्यवाही करते हुए करीब 32 लाख रुपए कीमत के 4235 किलोग्राम चने चोरी करने के आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, तथा वारदात में प्रयोग ट्रेलर संख्या RJ09GC2509 सहित संपूर्ण माल को मुलजिम के कब्जे से भी बरामद कर लिया है। मामले के आरोपी रावत मोहल्ला ग्राम देराठू सदर थाना नसीराबाद निवासी सोहन पुत्र चांदा को गिरफ्तार कर नीमराना पुलिस कार्यवाही करते हुए नीमराना के गांव मोहल्दिया में स्थित होटल हाईवे किंग पर 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने और फायरिंग करने के मामले में 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया। दोनों पर फायरिंग करने वाले बदमाशों का सहयोग करने का आरोप है। गिरफ्तार किए गए दोनों युवक मांडन थाना क्षेत्र के गाँव अंदीन के रहने वाले सचिन उर्फ प्रवीण उर्फ धोलिया जाट है, दूसरा योगेश उर्फ मोनू को भी गिरफ्तार किया गया है।
होटल पर 8 सितंबर को बदमाशों ने पहले काउंटर पर कर्मचारियों को 5 करोड़ रुपए रंगदारी की पर्ची थमाई और फिर फायरिंग मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। क्या घटनाक्रम था? जैसा कि आप सभी को पता है, 8 तारीख को, इसी महीने की 8 तारीख को एक हमारे हाईवे पे होटल हाईवे किंग है निमराना में, वहाँ पे सुबह 6 बजे फायरिंग हुई थी। उसकी सूचना मिली तो हमारी पूरी टीम, हमारे ऑफिसर सभी वहाँ पहुँचे। हमने उसी दिन से हमारा टीमें गठित करके हमारा काम शुरू कर दिया था। उस दिन हमने जो फुटेज मिले उस आधार पे हमने ये जो दो मेन शूटर्स थे जो आए थे ये घटना कारित करने के लिए, हमने उनको उसी समय आइडेंटिफाई भी कर लिया था। आइडेंटिफिकेशन में ये दो शूटर्स थे, उनका नाम निकल के आया पुनीत और नरेंद्र, जो कि दोनों ही जलंधर पंजाब के रहने वाले थे। इनके बारे में जब और डिटेल्स पता की गई तो ये बेसिकली NIA पंजाब हरियाणा दिल्ली सभी पुलिस इन को लगातार कुछ सालों से सर्च कर रही थी, पिछले 2-3 सालों से। इस पे, इस घटना पे जब हमने टीम वर्क की तरह काम करना शुरू किया तो टेक्निकल एविडेंसेस जो भी हमारी खुद की इंटेल थी उसके आधार पे हम लोगों ने इनके जो लोकल कनेक्ट्स थे उन पे भी हमने काम करना शुरू किया। उसमें ये निकल के आया कि इनको दो लड़के हैं जो मांडन इलाके के ही हैं, अड़िन के रहने वाले, उन्होंने इनको काफ़ी एड किया है, इनफैक्ट उनको यहाँ तक लाने में और यहाँ से वापस घटना के बाद में भगवाने में उनको और गाड़ी प्रोवाइड करवाने में उन लोगों को एड दी है जो शूटर्स आए थे बाहर से। उनको हमने, हमारी पूरी टीम ने बहुत प्रभावी कार्रवाई करते हुए और इन दोनों आरोपियों को बिल्कुल अरेस्ट कर लिया है। मैम, कहाँ से अरेस्ट किया और कहाँ दबिश दी गई? ये हमने जो इनका घटना हुई थी घटना स्थल से ही हम लोगों ने ट्रेस आउट करना स्टार्ट किया और हमने इनको कश्मीर से, दोनों जो आरोपी थे जो घटना के बाद से ही जो दोनों शूटर्स थे उनको फरार करवाने के पश्चात ये लगातार भाग रहे थे, ये कहीं रुके नहीं, बीच में ये लगातार ट्रैवल कर रहे थे और इन हमारी टीम्स इनके पीछे ही थी और हमने इनको कश्मीर में जाके इनको अरेस्ट कर लिया। होटल पे फायरिंग के लिए कितने दिन से बदमाश रेकी कर रहे थे? ये अभी हम इनसे इंटरोगेशन कर रहे हैं डिटेल्ड, बट ये बेसिकली ये है कि कुछ 15-20 दिन पहले से इनकी प्लानिंग प्लॉटिंग शुरू हो गई थी, बट फिर भी हम अभी क्योंकि हमने इनका PC रिमांड लिया है 9 दिनों का, तो अभी हम इनके बारे में और किस तरीके से प्लानिंग की गई, कहाँ कहाँ प्लानिंग हुई, गाड़ी कहाँ से आई, हथियार कहाँ से आए, ये सब जो भी डिटेल्स हैं केस से रिलेटेड उसके बारे में हम इन्वेस्टिगेशन और कर रहे हैं। फायरिंग और रंगदारी की घटना है, ये गैंग के सरगनान खुद करवाई है अपने माध्यम में कोई? आपको पता है जैसा उसी टाइम भी आपको बताया गया था मीडिया को भी कि जब ये घटना हुई थी उस समय जो शूटर आए थे उनमें से एक शूटर ने काउंटर पे एक स्लिप छोड़ी थी जिसपे कौशल गैंग का नाम लिखा हुआ था, तो बिल्कुल ये गैंग, इसी गैंग का ही काम है ये, हमने उनको कनेक्ट कर लिया है इस चीज़ से। तो आगे जो भी इसमें और आरोपी होंगे उनको हम बिल्कुल इस मामले में जल्द ही अरेस्ट करके लेके आएंगे। तो क्या गैंग क्षेत्र में अपने पैर पसारने के लिए कार्य कर रही है, किस तरह से? ये अपने यहाँ पे इस गैंग का पहले कोई ऐसा बैकट्रैक नहीं है और ये जो घटना हुई है इस पे भी क्योंकि पुलिस बिल्कुल अलर्ट है, जब से ये घटना हुई है तब से पूरी डिस्ट्रिक्ट में, इनफैक्ट कोटपुतली, बहरोड, निमराना, पूरे हाईवे पे चप्पे चप्पे पे पुलिस तैनात है, टोल पे हम लोगों ने पूरा माकूल जाप्ता लगा रखा है और 24 घंटे हमारा जाप्ता पारियों में काम कर रहा है और बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल यहाँ की चाक चौबंद। मैम, पहले भी जो गैंग का सगना है उसको फर्जी पासपोर्ट बना था अड़िंद के गाँव के लड़के के नाम से और अब भी वहीं के गाँव में सामने आए हैं। यही हमने जब इस गैंग के बारे में जब हमने काम करना शुरू किया, क्योंकि ये गैंग पहले यहाँ पे इतनी एक्टिव नहीं थी, तो जब हमने इसके बारे में काम करना शुरू किया तब ये चीज़ हमारे सामने आई थी निकल के कि पहले भी एक अड़िन गांव के ही एक विनय नाम के आदमी ने इसका फर्जी पासपोर्ट बनवाया था। उस मामले में क्या मुकदमा भी दर्ज हुआ और दोनों अरेस्ट भी हुए थे। जो विनय है जो अड़िन का रहने वाला था वो उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद में भी अभी ये जो दो लड़के हमने अरेस्ट किए ये भी वहीं के ही रहने वाले हैं, तो बेसिकली ये जो है ये लड़के ये उसी दरमियान इनसे कांटेक्ट में आए हैं। जैसे हमने इसके बारे में पता किया, इनमें से जो सचिन है, सचिन उर्फ प्रवीण उर्फ धूलिया, इसका जब हमने रिकॉर्ड पता किया तो ये
इनको ऑलरेडी पहले भी फरारी कटा चुका है इन शूटर्स को, और ये बॉन्डसी जेल जो गुड़गांव में है वहाँ भी रह के आया है, तो इस तरीके से इस गैंग के ज़्यादा संपर्क में आ गया है और इसने ही पूरा जिम्मा लिया था कि ये इस एरिया में इनको लाना और इनको वापस भगवाना यहाँ से। थैंक यू। लोकल बदमाशों ने देखिए पूरा अंजाम दिया, ऊपर तक ये बातें पहुँचाई। हाँ बिल्कुल, हम जैसा मैंने आपको पहले बताया है कि हम इसमें लोकल लेवल पे जो भी इन्वॉल्व हैं लोग उनसे लेकर और दूसरे स्टेट में जो भी बैठे हैं मेन शूटर्स हैं या इनके और भी कनेक्ट्स हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि ये गैंग जो है अब इसका बिल्कुल जड़ से हम इसको ख़त्म करना चाहते हैं, तो इनके जो भी लोकल कनेक्ट्स हैं उन पर भी हम काम कर रहे हैं माइन्यूटली। जो भी एक भी व्यक्ति जो इनको किसी भी तरीके से शेल्टर दिया है, भगाने में मदद की है या और किसी तरीके से हेल्प की है, तो उनको बिल्कुल हम इस मामले में धीरे धीरे अरेस्ट कर लेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू। करौली पुलिस थाना सुरोट की चार बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां पर एसपी बृजेश ज्योति उपाध्याय के निर्देशन में सुरोट थाना प्रभारी महेश मीना की टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। सिवाना बाड़मेर से हथियारों के बल पर डकैती कर 7 लाख रुपए नगद व करीब 15 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात का नामी अंतर्राज्यीय कुख्यात स्थायी वारंटी गुलाब सिंह उर्फ गुल्ला गिरफ्तार किया गया। राजस्थान के बाड़मेर, जोधपुर, नागौर व उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में लूट, चोरी, नकबजनी, चेन स्नेचिंग की 15 से 20 बड़ी घटनाओं को अंजाम दे चुका है। राजस्थान के विभिन्न जिलों करौली, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर पुलिस थानों में वांटेड भी था। कछुआ के माध्यम से रातोंरात करोड़पति बनाने का झांसा देने वाला धोखाधड़ी का कुख्यात अपराधी रामप्रसाद बर्गी गिरफ्तार किया गया। शांति भंग करते हुए 11 जनों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी में कांस्टेबल अमीर सिंह, राम सहाय, राम नारायण की रही मुख्य भूमिका। राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।